हेलो एवरीवन। सो सीयूटी बच्चों, जो बच्चे सीयूटी देने में इंटरेस्टेड है तो उनके पास माइंड में एक क्वेश्चन मार्क अराइज हो रहा है। द क्वेश्चन मार्क इज, हमका पेपर कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो एक चीज ध्यान रखे, अब सीयूटी वालों ने बोला है ना तो हम ऑनलाइन लेंगे ना हम ऑफलाइन लेंगे, हम लेंगे बेटा हाइब्रिड मोड पर। अब ये हाइब्रिड मोड क्या होता है, तो सीयूटी का फॉर्मेट जो हो चुका है बेटा वो हो गया आपका हाइब्रिड मोड। बेटा हाइब्रिड मोड क्या होता है, तो हाइब्रिड मोड का मतलब है आपके, जैसे मान लो 6 एग्जाम दिया आपने, जैसे एक इंग्लिश दिया, चार आपने डोमेन दिए, तीन आपने डोमेन दिए, जैसे कि आप डोमेन में अकाउंटेंसी बोल लो, बीएसटी बोल लो, इको बोल लो, और एक आपने जनरल टेस्ट दिया। तो किसी भी टेस्ट के अगर बच्चे जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मोर देन 1.5 लाख, ठीक है, अगर आपके 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे पर्टिकुलर एग्जाम देने के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं कॉमर्स करवा रहा हूँ तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इको, तो जिसमें मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं वो है अकाउंटेंसी। ये पेपर आपका पेन मोड पे होगा, मतलब आपके वो एक सेंटर में जाना पड़ेगा, वहां आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको ओएमआर शीट को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके बेटा, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जो बच्चे पिछली बार एग्जाम दिए हैं उनको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का एक वर्ड होता है, उसमें क्या होता है, मान लो एक बच्चे ने पेपर दिया 24 तारीख को, एक बच्चे ने पेपर दिया 30 तारीख को, ये दोनों का पेपर सेम तो बेटा हो नहीं सकता, किसी का पेपर का लेवल हाई होगा, किसी का पेपर का लेवल लो होगा। तो जिन बच्चों का पेपर का लेवल लो होता था, ठीक है, उनके मार्क्स कम कर दिए जाते थे ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, और जिन बच्चों का पेपर का लेवल मुश्किल होता था उन बच्चों के नंबर जो होते थे बढ़ा दिए जाते थे ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। और इसमें होता क्या है, ये एक अनफेयर तरीका हो जाता है किसी भी चीज को सही करने के लिए, ठीक। और इससे होता क्या है, सारे पेपर सीबीटी बेस्ड हो जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन होता है एग्जामिनेशन है वो एकदम इंक्रीज हो जाती है, और आप वो सीयूटी वाले चाहते हैं कि आपका एग्जाम वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाए, जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट दे, तो इसलिए उन्होंने हाइब्रिड मोड को अडॉप्ट किया है। जिस भी एग्जामिनेशन के जो जीटी इंग्लिश, इसके मुझे लग रहा है कि हाइब्रिड मोड पे रहेंगे, ऑफलाइन रहेंगे, और जो ऑनलाइन रहेंगे तो वो ऑनलाइन रहेंगे बेटा। जो मुझे लग रहा है कम कम सब्जेक्ट जो वो लोग भरेंगे, जैसे हिंदी हो गया कम सब्जेक्ट समझा भरते हैं, मैथमेटिक्स हो गया कम लोग भरते हैं, तो वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दोनों है कि कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज इस आईडी को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, आप अपडेटेड रहोगे कंटेंट को लेकर सीयूटी के। और अगर फिर भी कोई डाउट है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, आईपीयू का फॉर्म आपने भरा या नहीं भरा मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने आईपीयू का जो फॉर्म है जिसकी लास्ट डेट 28 है वो आपने फिल कर दिया या नहीं कर दिया। अगर कोई भी क्वेरीज आती है आप इस कौन नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, जो आप द काउंसलिंग इज एब्सोल्युटली फ्री, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं और आपको जो भी क्वेरी होगी हम आपकी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।